पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा घर घर में पसंदीदा शो बनकर रह गया है। बता दें कि हर कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखकर अपना मनोरंजन करता है। लोग तारक मेहता के उल्टा चश्मा से इन कदर जुड़ गए हैं कि उनके एक एक फेम एक्टर को लोग पहचानते हैं। इसी बीच यह शो काफी चर्चा में बना हुआ था क्योंकि इस शो के फेमस एक्टर गुरचरण सिंह 22 अप्रैल से ही दिल्ली से लापता थे। बता दें कि गुरचरण सिंह अब एक महीने बाद अपने घर वापस लौट गए हैं। कुछ दिन पहले जब गुरचरण एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे तो उनसे यह सवाल किया गया था कि क्या एक बार फिर वह शो में लोगों को सीढ़ी से बनकर एंटरटेन करेंगे। तो इस पर एक्टर ने जवाब दिया था कि भगवान जाने रब जाने, मुझे कुछ नहीं पता है, जैसे ही पता चलेगा आपको बताऊंगा। बता दें कि गुरुचरण सिंह शो के सेट पर प्रोड्यूसर अमित मोदी ने एक बार फिर मुलाकात की है। इस दौरान आसिंद मोदी ने कहा कि गुरुचरण सिंह मेरी फैमिली की तरह है, वह काफी समय से हमसे जुड़े हुए हैं। बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इस एक्टर ने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से इस शो को छोड़ा था। हालांकि जब से उन्होंने शो के प्रोड्यूसर अमित मोदी से मुलाकात की है तब से उनके शो में वापसी की खबरें वायरल हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि वह जल्द ही शो में वापसी करेंगे। बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्टर गुरुचरण सिर्फ रोशन सिंह सोढ़ी 22 अप्रैल से लापता हो गए थे और लगभग एक महीने बाद अपने घर लौटे थे। गुरुचरण सिंह 22 अप्रैल को दिल्ली से मुंबई जाने के लिए निकले थे लेकिन उन्होंने फ्लाइट नहीं ली। जब गुरुचरण से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया तो उनके पिता ने पुलिस में मिसिंग कम्प्लेंट दर्ज करवाई थी। डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली रोहित मीणा ने एक अपडेट दिया था और कहा था कि वह कुछ परेशानी का सामना कर रहे थे जिसकी वजह से वह धार्मिक यात्रा पर चले गए थे। वापस आने के बाद गुरुचरण सिंह ने समाचार एजेंसी ANI को बताया था कि वो अमृतसर और लुधियाना के गुरुद्वारों में रह रहे थे।